मित्रकर्ण, अभिमन्यु तुम्हारा शिकार है, तुम उसका वध करोगे। पांडवों को रोकने का समय आ गया है। है कोई दिव्यास्त्र? आज तो केवल एक ही दिव्यास्त्र है, जयद्रथ। हमारा पुराना शत्रु स्वयं सामने आ गया। हम चक्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे यहाँ तो मरने का हाथ है सिंदूर। पर्वत उठाकर भी फेंकोगे तो आज मुझे हानि नहीं पहुंचा पाओगे। महादेव का वरदान प्राप्त किया है मैंने। आज मैं समग्र पांडु सेना को रोक सकता हूँ। मेरे अपमान का प्रतिशोध अभिमन्यु की मृत्यु से पूर्ण करूंगा मैं। पांडु पुत्रों, अभिमन्यु लौट आओ, चक्र में आके प्रवेश मत करो। पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे पिता को लज्जा से मुख छुपाना पड़ेगा। पुत्र अभिमन्यु रुक जाओ, लौट जाओ तुम, ये तुम्हारी मृत्यु का प्रपंच है, लौट जाओ पुत्र। 12 दिनों तक अपने पिता के पीछे छुपकर महारथी होने का सम्मान प्राप्त किया है, आज वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। तुम एक महारथी हो या दूध पीने वाले एक बालक हो।